हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद तहसीन मीडिया। तो फ्रेंड्स, जो कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि मैं आपको व्हाट्सएप की एडिटिंग के बारे में सिखाऊंगा, तो आज हमारा पार्ट टू है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने व्हाट्सएप में ये देखिए नाम आप ये किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है, किस तरह अपना नाम लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें आपने व्हाट्सएप के अबाउट में जाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैं व्हाट्सएप के अबाउट में जाता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल व्हाट्सएप का अबाउट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हेल्प ओपन करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने ये नाम चेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए हमने ये नाम चेंज करना है, ठीक है, और इसके बाद ये मूडेड बाय, ठीक है, इस पर अपना नाम लिखना है इसकी जगह पर, ठीक है। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर लाइसेंस में आप किस तरह से नाम देख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपने वही मेरा एपीके व्हाट्सएप एपीके प्लेलिस्ट में है यूट्यूब में, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर गूगल क्रोम से एक एम्प्टी मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर इन थ्री लाइन पर आपने इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन एपीके व्हाट्सएप पड़ी है फोल्डर में, तो वहाँ पे फोल्डर में भी आप इसको तलाश कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्डर में पड़ी है, ठीक है, ये पड़ी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर आपके पास इंस्टॉल पड़ी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट पे एपीके पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको आपने लोकेट करना है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड व्हाट्सएप की एडिटिंग के बारे में सिखाऊंगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी रिप्लेस और यहाँ पे हमने लोकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब है हमारा ऑप्शन यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखना फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन शो होते हैं दो, ठीक है, क्योंकि हमने जो मैंने फर्स्ट में दिखाया जहाँ पे हम अपना नंबर रजिस्टर करते हैं वो भी हमने नेम चेंज करना है, और हेल्प में जाके अबाउट में जाके हेल्प में जाके वहाँ पे भी चेंज करना है। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैं यहाँ आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, और जहाँ पे हम अपना नंबर रजिस्टर करते हैं सबसे पहले मैं वो सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपने रिसोर्सेज पर क्लिक कर लेना और यहाँ ARC एडिटर पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे आपने ये सेकंड ऑप्शन है सर्च रिसोर्सेज वैल्यू, यहाँ पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे आपने पता है क्या लिखना है, आपने वो नाम लिखना है जो उधर उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, IQR अक्रम लॉयल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिखने के बाद आप ना उसके नाम की जगह आप अपना नंबर भी लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल की लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आसानी के साथ, नो टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली मैंने नाम लिख लिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊँगा वापस इंस्टॉल करके के किस तरह मैंने ये नाम चेंज किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ मेन ऑप्शन है, आपने ऑटो साइन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे ओके पे प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड वो हमारा मसला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमने ये इसके अबाउट में जाके, ठीक है, तो ऐप इन्फो, तो ये वाला नाम हमने चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। तो यहाँ पे आपने फिर इस पे रिसोर्सेस ARC पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने ARC एडिटर पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे सर्च रिसोर्सेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने ये देखिए ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है V12, ठीक है, आपने ये लिख लेना है, ठीक है, और इसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम ज़रा स्टाइलिश है तो ज़रा मुश्किल होगी। तो यहाँ पे आपने ये देखिए, आपने ये स्ट्रिंग वाला लाजमी लगाना है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग और आ जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के मुताबिक आपने फॉलो करना है, जो भी सर्च करना है यहाँ पे ओके पे आपने प्रेस कर लेना है, और इसके बाद ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए आपके सामने है, यहाँ आप
अपनी व्हाट्सएप का नाम लिखते हैं, ठीक है, STM। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, तो थोड़ी गलती हो गई। तो इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल को सेव कर लेना है, और इसके बाद आपने ये ओके पे प्रेस करना है, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमने ये सेटिंग करनी है, ये वाली मूडेड बाई इकराम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऊपर आना और यहाँ पे RSS लिखा हुआ है, ठीक है, ये फोल्डर, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद आपने नीचे चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये ऑप्शन लेआउट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं ओके पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है, इन थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे सर्च XML, ठीक है। इस पर प्रेस करने के बाद ये देखिए, आपने वही ऑप्शन लिखा है, उसने क्या लिखा है, मूडेड बाई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मूडेड बाई। तो फ्रेंड देखिए, लाइव प्रूफ आपके सामने वीडियो होगी, ठीक है। तो यार अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारी एडिटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के हवाले से, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आपने क्लिक करना है स्ट्रेंथ पे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पर ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ STM, और यहाँ पर इकराम, यहाँ पर अपना नाम लिख लेते हैं, अपना नंबर भी लिख सकते हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, तो नाम लिख लिया शाहिद तसीन मीडिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी वीडियो, ये हमारा प्रोसेस, ठीक है, अब सेव हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस, ठीक है, बैक जाते हैं, तो बैक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा वो नाम चेंज हो गया, अब हम यहाँ पे APK को इंस्टॉल करेंगे। तो लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक दें, लाइक तो बनता है, ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज की हमारी ये Part 2 था वीडियो, तो Part 3 भी आने वाला है जल्द, ठीक है, वो भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है, वे डिटेल के साथ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपना दूसरा अकाउंट, यहाँ पे ओके पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ऑन करना पड़ेगा, वाह। तो यहाँ पे देखिए, लाइव प्रूफ यार वीडियो आपके सामने, यहाँ पे शायद तसीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको बैक करता हूँ और दोबारा इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करके शो अकाउंट। तो यहाँ पे मैं स्विच अकाउंट कर लेता हूँ, तो लाइव प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हेल्प पे क्लिक करते हैं, ऐप एंड फो थोड़ा सा मसला ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मूडेड बाई शायद तसीन मीडिया, यहाँ पे देख सकते। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि ये इसका बैकग्राउंड किस तरह से अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।